हेलो गाइस, नमस्कार। आज हम फैक्ट्स में बात करने वाले हैं अबाउट सम एक्शन एक्शन मूवीज। किसको नहीं पसंद, जा पूछ क्या। एक्शन मूवीज सबकी अलग अलग फेवरेट होगी, सबके अलग अलग फेवरेट एक्शन हीरो होंगे। तो उसी में से एक अगर बात करें तो माय वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट मिस्टर जैकी चैन सर। जैकी चैन सर को कौन नहीं जानता, मतलब सीरियसली कौन नहीं जानता। जा पूछ क्या, पूरा मतलब इंडिया के वर्ल्ड वाइड उनको सब जानते हैं। वो उनका जो एक स्टाइल है यू नो कॉमेडी के साथ एक्शन करना, जिसको देख के नॉर्मली हम अगर कोई एक्शन मूवीज देखते हैं तो मार धार जैसी होती है, हमें यू नो एक रेज हो जाता है कि आज जाके आज तो किसी को पेल देंगे। मेरे को जानता नहीं है ये। बट जैकी चैन सर की मूवी अगर आप देखोगे तो इट इज लाइक अ फैमिली कॉमेडी मूवी एक्शन। यू नो जब वो फाइट करते हैं ना तो आगे आजू बाजू की चीजों को एज अ प्रॉप यूज करना, फिर उसमें लास्ट में एक यू नो कॉमिक ह्यूमर डाल देना कि उसको मारा और फिर तो दैट वॉज दी यू नो उनका यूनिकनेस। यही नहीं, अभी और सुनिए। जैकी चैन सर अपने आप में ही मल्टीपल पर्सनैलिटी है। नहीं मानता, मतलब वो एक काम नहीं करते, वो बहुत सारी चीजें करते हैं। हम उनको सिर्फ और सिर्फ एक्शन हीरो के मतलब नजरिए से देखते हैं, बट ही इज एक्चुअली अ डायरेक्टर, राइटर, अ सिंगर भी है। जिनको नहीं पता उनको बोलू, वो गाते भी बहुत अच्छा है। एक्शन डायरेक्टर तो ऑब्वियस ही चीज है, वो खुद करते हैं, फिर अपनी स्टंट टीम है, उनको वो खुद सिलेक्ट करते हैं, उनको खुद वो डायरेक्ट भी करते हैं, उनको सब सिखाते भी हैं, वो खुद सारे स्टंट करते हैं फॉर रियल, और अपने स्टंट टीम को भी प्रेरित करते हैं कि वो सारे स्टंट खुद ही करे बने तब तक जब तक पॉसिबल हो तब तक। बट ऐसी बात नहीं कि भाई सामने पता है कि अभी मैं यहाँ से कूदूंगा मर जाऊंगा तो विदाउट यू नो हार्नेस और वो सब, नहीं नहीं नहीं, वैसे पागलपंती कोई नहीं करता। मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। बट हाँ, जब तक हो सकता है कि दिस थिंग इज पॉसिबल वो कर लेते हैं, वो उन लोगों का है। तो ये सारी चीजों की वजह से उनका एक अलग लेवल है। सेम ही उनकी स्टंट टीम है, वो खुद जो करते हैं वही वो एज अ लेगेसी उनको सिखाते हैं। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस पार्ट, अगर आप बात करें कि ये लोग तो चलो एक्शन हीरो है तो उनको चोट लगना, उनको सीरियस इंजरी होना, दैट इज अ नॉर्मल थिंग। बट जैसे कि आप हो, मैं हूँ, ऐसे हमारे जैसे नॉर्मल लोग जी जो मतलब मोस्ट ऑफ नॉर्मली बैठे रहते हैं और हम उतना कुछ एक्शन वैक्शन करते भी नहीं हमारी लाइफ में, फिर भी हम आगे कुछ हो नहीं उसको सोच के हमारा लाइफ इंश्योरेंस या मेडिक्लेम करवाते हैं। तो वैसे ही अगर मैं बात करूँ फैक्ट्स की, तो ऐसा माना जाता है कि जैकी चैन सर और उनकी स्टंट टीम को मोस्ट ऑफ दी यू नो इंश्योरेंस कंपनी वालों ने ब्लैकलिस्ट किया हुआ है। यस, इट इज सैड बट इट इज ट्रू कि उन्होंने उनको ब्लैकलिस्ट किया हुआ है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अभी पर्सनली कोई मुझे पूछे तो ऑब्वियसली मैं इसके अपोज में हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगा ये चीज। बट अभी जो भी अभी अगर एज अ मैं कोई इंश्योरेंस कंपनी वाला होता या यहाँ देखने वाला कोई व्यूअर इंश्योरेंस कंपनी वाला होता, साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो उनकी तरह से अगर सोचे तो ऑब्वियस ही चीज है। अगर आपको पता है कि ये कोई किसी का लाइफ ही एक्शन में है और वो कभी भी इनको नॉर्मल चोट वोट लगती रहती है, सीरियस इंजरी उनके लिए कोई नई बात नहीं है, तो अगर क्लेम करवा लिया तो कितना पैसा दोगे भाई। तो क्या पता एक साल में ही कंपनी का दिवाला हो जाए। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। ठीक है, जो भी रीजन है, बट अगर कोई मुझसे पूछे तो दिस इज रियली रॉन्ग, ये नहीं होना चाहिए, स्पेशली विथ सच अ रिस्पेक्टेड गाय। तो जैकी चैन सर से मैं यही मतलब उनको मैसेज देना चाहूंगा कि सर डोंट वरी, आपको कोई लाइफ इंश्योरेंस दे ना दे, कोई कंपनी आपके साथ हो या ना हो, इंडिया इज विथ यू, अवर ब्लेसिंग्स
और वेल विशेष आप विथ यू। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। वाह कीप ब्लेसिंग अस विथ योर स्किल एंड योर यूनिक स्टाइल। बाकी वी ऑल आर विथ यू सर, एंजॉय योर लाइफ। और इसी के साथ आज का फैक्ट वाला वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक एंजॉय करो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। और नई चैनल है यार, मेन अभी तो सब्सक्राइबर चाहिए, तो थोड़ा सपोर्ट करो, सब्सक्राइब बटन दबा दी। हाँ मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू सून। I'm going mainstream, mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream.